हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक डेल का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है 5548, डेल इंस्पिरोन 5548। इसमें क्या हो रखा है, ये हमारी आपकी पूरी बॉडी टूटी हुई है। ये आप देखोगे यहाँ पे नक्के होते हैं इस टाइप के, जो पीले पीले आपको नजर आ रहे हैं वो यहाँ से ये सारे टूटे हुए हैं, ब्रेक हो रखे हैं दोनों तरफ के। दूसरी साइड के भी ये एक ही नक्का बचा हुआ है, एक दो ये इसमें अंदर टूटे हुए हैं और इसका बेस भी खराब हो रखा है, तो ये इसको रिपेयर कर रहे हैं। ये आप देखोगे नक्के टूट के यहाँ पे गिरे हुए हैं, तो वही हमें इनका रिपेयर करना है बॉडी। इसमें हिंच तो चेंज होंगे नहीं है, इसके हिंच नहीं टूटे हुए हैं, हिंच टाइट हो रखे हैं तो उनको हम लूज कर देंगे, तो यही हमारे हिंच भी चल सकते हैं। वो पैक करके देखना पड़ेगा कि उसके बाद अलाइनमेंट तो नहीं बिगड़ गया, तो चेंज तो नहीं करने पड़े। सबसे पहले हमें इसकी बॉडी रिपेयर करनी पड़ेगी और इसके हिंच हम लूज कर रहे हैं। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस वाइज यदि हम बात करें तो ये DDR3 इसमें रैम होती है, i5 में ये मशीन आती है, i7 में आती है। ये जो मशीन है हमारे पास i7 में है विथ ग्राफिक कार्ड है, तो ये ग्राफिक वगैरह के काम में भी हम इसको यूज कर सकते हैं इस टाइप की मशीन को ग्राफिक कार्ड के साथ। आप देखोगे इसका CPU और GPU की हीट सिंक आपको नजर आ रही है, तो और इसमें SSD का कोई स्लॉट नहीं है, M.2 का साटा का ही इसमें है, तो हम इसको साटा पे यदि अपग्रेड करें तभी आई थी, तो फोर्थ जनरेशन होगी मेरे हिसाब से। फोर्थ जनरेशन में यदि हम इसकी बात करें, फोर्थ या सिक्स जनरेशन में SSD नहीं आई थी, तो इसमें हमें साटा SSD लगा के हम इसके परफॉर्मेंस को अपडेट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल परफॉर्मेंस में ये ठीक होती है, हार्ड डिस्क के साथ विंडो 7-8 तक ये अच्छी परफॉर्मेंस करती है, 10 में आके थोड़ा स्लो हो जाएगा, उसके लिए हमें इसमें SSD इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसके नक्के हम कैसे बनाते हैं। नक्का बनाने के लिए हमें इसका एक स्पेशल ग्लू यूज करना होता है, उस ग्लू के थ्रू ही हम ये नक्के बना पाते हैं। जब हम इस लैपटॉप की बॉडी को रिपेयर कर रहे थे तभी हमने देखा कि लैपटॉप के वाईफाई वाली वायर भी कटी हुई है, जिसकी वजह से वाईफाई के सिग्नल बहुत ही वीक आ रहे थे और यूजर को भी वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए राउटर के पास बैठना पड़ता था। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अब हम इस प्रॉब्लम को भी फिक्स करेंगे, हम इस वायर को एंटीना से कनेक्ट करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि हम वाईफाई से एंटीना की वायर को कैसे कनेक्ट करते हैं। हमारी लैपटॉप एक्सपर्ट की टीम है जो किसी भी तरह के इशू को फिक्स कर देती है। अगर आपके लैपटॉप में भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको हमसे फिक्स करवा सकते हैं। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लैपटॉप को किसी ऐसे वैसे सर्विस सेंटर से रिपेयर ना करवाएं, क्योंकि ऐसे सर्विस सेंटर आपके लैपटॉप को ख़राब कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में कोई इशू आ रहा है और आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।